ये हमारे पास टर्म्स का फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको लिखा हुआ है कि जब भी सम ऑफ थ्री या फाइव या सम ऑफ फोर या सिक्स टर्म्स दिया हो एपी में, तो हम टर्म्स अलग तरीके से सपोज कर लेंगे तो हमारे से क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है सम ऑफ थ्री टर्म्स हूज सम इज 18 एंड द प्रोडक्ट इज 192, तो आपसे कह रहा है टर्म्स निकालो। सर 4, 6 एंड 8। 4, 6 एंड 8। दो चीजें आपको दी हुई हैं, एक तो आपको सम दिया है, जब थ्री नंबर्स हैं तो आपको ऐसे सपोज करना है मिडिल टर्म ए, नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी और प्रीवियस टर्म ए माइनस डी, इनका सम आपके पास 18 है। जैसे ही आप ये लिखोगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो 3a = 18, a = 6। तो इसका मतलब एटलीस्ट आपको मिडिल टर्म तो पता चल गई कि मिडिल टर्म 6 होगी। फिर आपको दिया होता है प्रोडक्ट, तो a माइनस डी एंड ए प्लस डी, ये होता है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट हो गया 192। तो यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली ए को आप रखोगे 6 और ये ए माइनस डी और ए प्लस डी a² - d² हो जाएगा, तो ए हमारे पास है 6² जितना स्टेप आप बचा सको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो 6 से आप कैंसिल कर दो, 6 2 जा हमारे पास कितना आएगा 6 3 जा 18 एंड 6 2 जा 12 और ये हो गया 36 - d², तो d² = 4, तो d = ±4। तो हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास ये 6 है तो इसमें से 6 माइनस 2, अच्छा 4 आया ±2, यस। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, अगर हमारा मिडिल टर्म 6 है तो प्लस लेंगे तो a माइनस डी, तो 6 - 2 = 4 एंड a प्लस डी 6 + 2 = 8। लेकिन अगर माइनस में लेंगे तो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, तो इधर टर्म 8 आएगा, इधर टर्म 4 आएगा। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि नंबर्स आपके पास वही होंगे 4, 6, 8, सिर्फ उनका सीक्वेंस चेंज हो सकता है, भाई 4, 6, 8 या 8, 6, 4, ऑल आर इन एपी, नंबर्स आर सेम। तो ये हमारे पास है, तो आपसे नंबर्स पूछ सकता है, मिडिल नंबर पूछ सकता है, लार्जेस्ट नंबर पूछ सकता है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछ सकता है, तो इस तरह से।